शहडोल जिले की कोयलांचल नगरी धनपुरी में आयोजित प्रदेश के पूर्व विधायक व मंत्री स्वर्गीय कैलाश नारायण सारंग स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य समापन शुक्रवार को हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त महिला एवं वित्त विकास निगम की अध्यक्ष श्रीमती अमिता चपरा मौजूद रहीं। उन्होंने कैलाश सारंग जी को याद करते हुए कहा कि वे बहुत ही नेक और कद्दावर नेता थे। आज उनके याद में कराया जाने वाला टूर्नामेंट निश्चित ही उन्हें कभी भूलने नहीं देगा। उन्होंने कहा कि कोयलांचल का यह टूर्नामेंट जहां प्रदेश स्तर तक शहडोल की पहचाना जाता है, वहीं युवा क्रिकेट खिलाड़ियों को प्रोत्साहित भी करता है। इस मौके पर उन्होंने अपने छात्र जीवन में क्रिकेट के प्रति रुचि बताते हुए सभी आयोजकों को धन्यवाद भी दिया। साथ ही इस टूर्नामेंट के संयोजक नितिन सिंह राणा को सफल आयोजन के लिए धन्यवाद प्रेषित किया और आने वाले समय में इस टूर्नामेंट को लगातार करवाते रहने को कहा। आपको बता दें कि इस टूर्नामेंट में देश के कई राज्यों से 6 टीमों ने भाग लिया था, जिसमें आगरा, शहडोल, भोपाल, मेरठ, इंदौर व पंजाब शामिल थी। 26 जनवरी से लगातार हो रहे इस टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबला में मेरठ और भोपाल के बीच खेला गया, जिसमें जिले भर के क्रिकेट प्रेमियों को रोमांचक मैच देखने को मिला। फाइनल मैच में मेरठ ने भोपाल को 67 रन से पराजित कर जहां खिताब अपने नाम कर लिया, वहीं भोपाल उप विजेता बनी। बता दें कि टूर्नामेंट की विजेता टीम को 1,00,000 नकद इनाम और ट्रॉफी, वहीं उप विजेता टीम भोपाल को 51,000 नकद राशि व ट्रॉफी के साथ पुरस्कृत किया गया है। गौरतलब है कि बीते 3 वर्षों से लगातार हो रहे इस टूर्नामेंट का इंतजार जिले भर के क्रिकेट प्रेमियों को रहता है। आयोजकों ने बताया कि लगातार वह अपने टूर्नामेंट को और भी बेहतर बनाने के प्रयास में लगे हैं। वहीं आयोजक सदस्यों ने इस सफल आयोजन के लिए सभी गणमान्य नागरिक सहित क्षेत्र की जनता का आभार भी जताया है। मीडियम पेस बॉलर थी और मैंने भी चूंकि छात्र संघ चुनाव भी लड़ना और साथ में छात्र नेता के रूप में मैं दो दो जगह समय नहीं दे पाती थी। जबलपुर में एक एमएच क्लब चलता है श्रवण भाई पटेल जी का, उनके यहाँ एक सीमेंट की पिच है और नेट पे हम प्रैक्टिस करते थे जब छोटे थे, तो मेरा रुझान भी क्रिकेट की तरफ रहा है। मुझे याद है मैं छोटी थी तो मैं छोटे सा ट्रांजिस्टर चलता था और कमेंट्री सुनती थी घंटों, तो एक आनंद की अनुभूति होती थी कि हमारे बीच में से भी ऐसा कोई क्रिकेट का प्लेयर सुनील गावस्कर बने, सचिन तेंदुलकर बने। और निश्चित तौर पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि शहडोल की इस बिंद धरा से भी कोई ना कोई ऊपर जाएगा। गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी स्वर्गीय कैलाश नारायण सारंग जी की स्मृति में हमारे छोटे भाई नितिन सिंह राणा द्वारा ये प्रोग्राम आयोजित किया जाता था। पहले गत 2 वर्षों से ये ज्वालामुखी ग्राउंड में होता था, छोटी सी जगह थी, वहाँ पर कुछ चीज़ें की दिक्कतें आती थी। फर्स्ट टाइम हम लोग थोड़ा सा प्रोत्साहन किया और एक बार के बोलने से उस टूर्नामेंट को अपन धनपुरी कॉलेज ग्राउंड में लेके आए। और जो कुछ भी इस वर्ष इस आयोजन में हम लोगों की कमी हो गई या टूटी गई होगी, आगे वाले समय में इससे 10 गुना बेहतर हम लोग परफॉर्मेंस करेंगे और अच्छे से अच्छा प्रोग्राम करने की टूर्नामेंट कराने की कोशिश करेंगे। और हम लोगों का ये हम सभी मित्रों का नितिन सिंह राणा हमारे छोटे भाई को पूरा सहयोग रहेगा, आशीर्वाद रहेगा। जो चीज़ कमी इस बार हो गई है या छोटी मोटी त्रुटियाँ हुई हूँ, अगले आने वाले समय में ये न हो और अच्छे से अच्छा प्रोग्राम हो, जिससे हमारे धनपुरी बुढ़ार का नगर का नाम और शहडोल जिले में आपने प्रदेश में गौरवान्वित किया। धन्यवाद। रूपरेखा रही कैसा आयोजन रहा, समापन कैसा हुआ? देखिए स्वर्गीय कैलाश नारंग की स्मृति में ये टूर्नामेंट का सफल समापन समारोह हुआ, जिसमें हमारे बुढ़ार नगर के सारे गणमान्य नागरिक, व्यापारी बंधु, राजनीतिक दल के लोग और सारे हमारे पत्रकार भाई सब ने मिलकर इस टूर्नामेंट को बहुत भरपूर सहयोग दिया, जिसका आज यह है निष्कर्ष रहा है कि इतना भव्य रूप से टूर्नामेंट का समापन समारोह मनाया, जिसमें आज मेरठ की टीम विजयी हुई और भोपाल टीम
भोपाल की जो टीम रही है वह रनर रही है। मैं सारे आयोजकों का, सारे पत्रकार भाइयों का और सारे लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत वंदन करता हूं। इसी तरीके से हमारे बुढ़ार की परंपरा रही है कि सारे राजनीतिक दल के लोग एक मंच में इकट्ठा होके हम लोग हर कार्यक्रम को भव्यता से मनाते हैं और यही हमारे बुढ़ार की आन बान शान है। धन्यवाद। और टिकट भैया ने दिए हैं जो सामने है उन्हीं से कटाए और उन्होंने काटा कि बोले और कटा लो बोले नहीं एक ही कटाना है। तो जबकि मेरे पास चेंज नहीं था 200 का नोट था। मैं दूसरा अपना भाई है ये खड़े हैं उनसे पैसा दिलवाया 200 का। आयोजन समिति के लिए कुछ कहेंगे? आयोजन समिति के लिए बहुत अच्छा है, धन्यवाद उनको कहूँगा। ठीक।